생각이나네क्या समझ में आ रहा है बताओ थोड़ा लाउड भैया यस प्लीज ऐसा होता है कि एक बेगर एक टेंपल के सामने रोज भीख मांगता है भीख मांगता है तो फिर एक फेस्टिवल के दिन उसको बहुत सारा पैसा मिलता है okay. तो उसके सेकंड को उसको तो खर्च कर देता है तो उसके सेकंड दिन वो बहुत भूखा होता है क्योंकि उसको उसके सेकंड दिन कुछ नहीं मिलता है okay. तो वहाँ पे ही बहुत सारे जन जा रहे हैं टेम्पल में okay. तो टेम्पल में वहाँ पे एक ओल्ड मैन आता है ओल्ड मैन जब प्रदर्शन करके आता है तो वो बेगर उससे मांगता है कि कुछ पैसे दे दो okay. तो फिर वो ओल्ड मैन अपना वॉलेट निकाल कर okay. उसको कुछ गोल्ड कॉइन देता है okay. तो फिर बेगर ग्रीडी हो जाता है उसका वॉलेट देखकर कि okay. उसके वॉलेट में कितने सारे गोल्ड कॉइन्स है okay. तो ओल्ड मैन से थोड़ा करके बहुत सारे मांगता है okay. तो ओल्ड मैन उसको सजेस्ट करता है कि अगर एक भी गोल्ड कॉइन गिरा तो सारे के सारे कॉइन कोई भी काम के नहीं रहेंगे okay. तो फिर बेगर बोलता है हाँ हाँ चलेगा okay. तो वो बेगर बहुत सारे मांगते हैं कि और दो बहुत okay. सारे हो जाते हैं तो बेगर एक कपड़ा निकालता है बोलता है इसमें दो okay. इसमें से एक भी नहीं गिरेगा okay. तब भी वो और ज्यादा मांगता है okay. तो उसको कोई भी वापस सजेस्ट करता है कि तुम्हें मेरी सजेशन याद है ना एक भी नहीं गिरनी चाहिए right. इतने सारे हो जाते हैं पूरा कपड़ा फुल हो जाता है okay. तब वो बेगर एक और मांगता है okay. तो फिर जैसे ही वो ओल्ड मैन एक और डालता है सारे नीचे गिर जाते हैं okay. वो बेगर जल्दी से उठाने लगता है सब कुछ okay. तभी वो जब उठ के देखता है तो ओल्ड मैन गायब हो जाता है okay. तब उसको रियलाइज होता है कि okay. मेरे ग्रीडी के वजह से सारे के सारे गोल्ड कॉइन गायब हो गए okay. और जो ओल्ड मैन था वो गॉड के रूप में था उसको उसकी लालच का बुरा पना सिखाने के लिए क्या एक्सीलेंट कौन सा चैप्टर है बेटा ये पता है आपको ठीक है चैप्टर ओपन करके मिलो मुझे कौन सा नंबर का चैप्टर है चैप्टर नंबर 11 ओके द मैजिक ऑफ वन अपर चैप्टर ठीक है चलो